बाल हत्याकांड के आरोपी और अतीक के बहनोई इखलाक के मेरठ वाले घर पर पुलिस ने आज कुर्की की कार्रवाई की। अतीक के बहनोई के इसी घर पर उमेश पाल हत्याकांड का आरोपी अतीक अहमद का बेटा असद और बमबाज गुड्डू मुस्लिम वारदात के बाद इसी घर में आए थे और दो दिन रुके थे। उसके बाद अतीक के बहनोई इखलाक ने पैसों का बैग गुड्डू मुस्लिम को दिया था। वारदात के बाद पुलिस ने अतीक के बहनोई को गिरफ्तार कर जेल भेजा था, जबकि अतीक की बहन आयशा नूरी अब तक फरार है। कोर्ट के आदेश पर आज पुलिस ने आयशा नूरी के घर पर कुर्की की कार्रवाई की। प्रयागराज पुलिस ने मेरठ पुलिस के सहयोग से आयशा नूरी के घर के सभी सामानों को जब्त किया और घर के गेट पर सरकारी ताला लगा दिया। उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक की बहन आयशा नूरी अशरफ की पत्नी जैनब और अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन फरार है। पुलिस अब इन पर कानूनी शिकंजा कस रही है, जिसके तहत कोर्ट के आदेश पर कुर्की की कार्रवाई की गई। अभी अन्य आरोपियों के घर पर भी कुर्की की कार्रवाई होगी।